एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों आज एक और वैकेंसी के साथ हम आ गए हैं जो कि बिल्कुल लेटेस्ट होने वाली है। दोस्तों आज की इस वैकेंसी के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी है, क्या ऑल इंडिया की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, सभी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में मिलने वाली है, तो हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आज हमको बता दें वैकेंसी जो होने वाली है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय से होने वाली है, जो कि NCT दिल्ली से वैकेंसी है। लोकेशन आपकी NCT रहने वाली है, गीता कॉलोनी। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स फॉर एन ICMR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ICMR का रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसके द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 15/6/23 से नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रंस उनके लिए जो है प्रोजेक्ट है। यहाँ पर स्टाफ नर्स की एक पोस्ट होने वाली है, 31,500 पर मंथ आपकी यहाँ पर सैलरी होगी। इसके अलावा दोस्तों BSc नर्सिंग, यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि GNM के लिए 1 ईयर का, और BSc नर्सिंग फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देना होगा वर्किंग लास्ट ईयर फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपने जब कभी यहाँ पर काम किया हो तो उसका एक्सपीरियंस देना होगा। 30 यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है और इनिशियली 1 ईयर का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, इसके बाद इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 AM रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पर भर लेना होगा। उसे दोस्तों यहाँ पर आपको सुबह 10:30 बजे के पहले सबमिट कराना होगा। एड्रेस मैंने ऊपर बता ही दिया था। यहाँ पर आपका जो है एलिजिबल कैंडिडेट मोर देन 20, यहाँ पर यदि 20 से ज़्यादा होते हैं तो रिटर्न टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स को यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेट ऑफ फोटोकॉपी साथ में ले जानी होगी। एज रिलैक्सेशन के लिए SC ST OBC को यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाना होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस में यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 1 ईयर का प्रोजेक्ट रहने वाला है, इसके बाद आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन वो कोई कंफर्म नहीं है। टोटली पोस्ट आपकी टेम्प्रेरी बेसिस पर रहने वाली है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उसके पहले आपको 30 डेज का नोटिस दिया जाएगा, जो कि आपका सैलरी के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर लीव्स जो है आपकी जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर लीव्स मिलेगी। इसके साथ में अकोमोडेशन की यहाँ पर कोई नहीं लिखा गया है कि अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा आपको, नो लिखा गया है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने आपको शेयर कर दी है। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7K सब्सक्राइबर हैं, और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनके इस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है, जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।